प्रॉमिसिंग लग रहा है. इनफैक्ट मेहनत भी बहुत लगी है ये फिल्म बनाने में. हमारी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है हमारे ऊपर भी. और किरदार की बात करें तो मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ फिल्म के अंदर. प्रोटैगनिस्ट जो है फिल्म का वो मैं हूँ. और द मर्डर मिस्ट्री जो है वो ये आत्मिका जो कैरेक्टर है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जहाँ पे एडवोकेट विकन आते हैं और उनकी लाइफ को सही दिशा में लेके जाने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. डेजी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें चूज कर रही है आप. रियलिटी शो हमने देखा, म्यूजिक वीडियोस, फिल्म, वेब सीरीज. थोड़ा सा बताइए कि क्या क्राइटेरिया है. देखो यही टाइम है, जितना है लपेट लो. यही आंसर था मेरा, और क्या. सो जो कैप्टन ऑफ द शिप है मैम, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे. थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था डेजी को सर को कास्ट करना और फिर उनसे एग्जीक्यूट करवाना पूरा प्रोजेक्ट. Yeah. So thank you so much for everyone. So like it's a very big day for us and the entire our crew. So actually, as you said, of course it's a very challenging thing, because like the before COVID the cinema industry is totally different, and after COVID is totally different. But we have shot on the COVID time, you know. It's a very first time we all isolated for 10 days in a hotel. It's a very first time for everyone. And oh god, that's a very hard day. So after that, like each and every crew, already the crew was very limited, and each and every crew they got like, you know, affected with the COVID. So lack of people, lots of we didn't get the proper, you know, like locations and all because of the unavailability because of the COVID. So lots of struggles we have. Assistants, the assistants, all like the actually like no ADs got the visa, you know, like so like my producer, production, got artist Daisy. And the Daisy, you know what, like actually she cleaned all the cars and all because and Rohit, oh my god, everyone got very hot, and not only one question. For example, the Riaz Bhai, he did he's in the lighting department, all the department, you know, like everyone, all the team. All the team, you know, like everyone worked very hard actually to make this happen. And actually today we are so excited, and actually like, we planned a lot, but I don't know like what to talk. So our dream comes true today, and thank you so much for, you know, like it's happening today. Thank you so much. Kalai ki bhi first film hai ye. Yeah, it's my debut film as a director. Aur what Kalai bolna ye chahti hai ki humne COVID ke dauran ye film shoot ki hai, to yahan se visa applications ke liye almost 60-70 log ka application गया था, बट हार्डली 20-25 कुड मेक इट. तो बहुत ही क्रंच था पूरा क्रू. मतलब जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो उनको चार लगेंगे फिल्म के अंदर, वो खाली एक या दो से काम कर रही थी. तो जैसे इन्होंने कहा कि गाड़ियाँ भी साफ़ की है, तो कहीं पे मैंने भी मतलब लाइटिंग वाला काम किया है, रोहित ने भी आर्ट डिपार्टमेंट का वर्क किया है. तो ये हम लोग ने पूरी फिल्म एज अ फैमिली बनाई है, लाइट्स उठाई है, लाइट सारा प्रोडक्शन का काम किया है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वेयर वी हैव एक्टर लाइक अर्जुन रामपाल, इतने दिग्गज लोगों के बीच में पूरी फिल्म को लीड करना. वाज इट अ चैलेंजिंग, और डू यू थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू? आई फील कि छत को खड़ा करने के लिए स्ट्रांग पिलर्स बहुत जरूरी है. तो अगर छत मैं हूं तो स्ट्रांग पिलर्स अर्जुन है, अमीशा है, रोहित है, मनोज जी है, अ लॉट ऑफ पीपल. छत ऐसे ही नहीं खड़ी होती है, और उसके जो पिलर्स होते हैं वो स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है. डू यू गेट नॉस्टैल्जिक जब आपकी शुरुआत हुई थी, नाउ आप एक डेब्यू कर रही शख्सियत के साथ हैं और उनको कहीं सहारा दे रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा लोग आपको जानते हैं. देखो मुझे किसी ने प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, मेरा यही बनता है जो मुझे लाइफ में मिला है उसे मैं आगे पे फॉरवर्ड करूँ. आज मैं यहाँ पर हूँ, रोहित एज अ डेब्यू ये फिल्म से आ रहे हैं, एंड ऑल आई विश हिम इज ऑल द बेस्ट फॉर हिज करियर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिल्म एक्चुअली में बहुत अच्छी बनी है. मैं खाली बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. हमने जब डबिंग के अंदर हमने जब रशेस देखे हैं, वी आर सेल्स वर वेरी इमोशनल वाइल सीइंग द फिल्म. हालांकि हमने खुद ने काम किया है उसके ऊपर, हमको पता है कि ये सैड सीन है क्योंकि वहाँ पे सैड होना बनता है, बट द इमोशंस केम थ्रू. You're becoming very humble, you know, with all due respect. Do you think you came a long way? you came a long way. Camera the way you started your journey. Haan. Now here leading the film. Do you think you came a long way? Yeah. Of course, yes. The only thing that I give credit to in my life is ke मैंने ना step 1 से step 10 पर jump नहीं किया है. मैंने हर step को
बाकायदा एक्सपीरियंस किया है, वहाँ से लेसन सीखे हैं और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड आई टेक इट विथ मी टू वेर एवर आई एम गोइंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जैसे सलमान सर ने भी कहा था कि मैं इंडस्ट्री में रहकर मेरी कंडीशनिंग हुई है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मुझे पता है कि कैमरामैन जो है उनके पीछे जो 10 लोग हैं उनका कितना इनपुट है ये फिल्म के अंदर, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं क्योंकि मैं खुद वहाँ पर खड़ी रह के काम कर चुकी हूँ. Unfortunately, she doesn't know that because she is passed away in the film by then. Rohit, your experience working with, you know, somebody like Daisy or Arjun sir, what's your experience and what do you want to say? Sir, first of all, thank you all for coming today. You know, आपने time निकाला, आप यहाँ पर आए हैं. And in terms of experience, me being a debutant and newcomer, जो Daisy ने, Arjun जी ने, Manoj जी ने, Kalai ने, they never made me feel like I am a newcomer. एक क्योंकि इतना क्रंच था एंड इतना होमली एनवायरनमेंट था. दे ऑल सपोर्टेड मी. एवरी सीन मी एंड डेजी हैड, डेजी वॉज ऑलवेज देयर ट्राइंग टू गाइड मी थ्रू इट, हेल्पिंग मी आउट कि वो सीन अच्छा लगना चाहिए. सो इन दैट टर्म्स आई फील वेरी लकी कि आई हैड अ कोस्टार लाइक डेजी. सो दैट हैज बीन माई एक्सपीरियंस. See, while watching all the, you know, all the songs and the trailer in the, you know, audio, I thought it is a film also talk about the child abuse. It's a mystery actually. It's a full of mystery thriller. So it will be, there's a lot of twists and turns out there. So because even in the songs you can see lots of scenes in the middle. So you can connect to me. I think like somehow you have connected, but it is not. It's so not if you go to the animal, it's not totally about human like a child abuse, it's about a child trauma. परोस रहे. अभी आप उसके अंदर देखो कैसे क्या करना है. Since the subject is about murder or mystery, so how much music has played part? I think songs are very nice. So, oh yeah, देखा ना आपको कैसा लगा music? Yes, very nice. So बस ये आप लोगों से. How many songs are there? Three. So thank you so much, sir, for that. Like you know, like of course, like you know, like inserting music is a very challenging thing. I mean song. I mean I'm talking about the songs. So inserting in the mystery film, inserting because like it cannot go away. It has to be inside the. Yeah. So of course, like as you seen, like Daisy as Atmika and Vikram as a Rohit as a Vikan played as you know like as a couple like that. Songs so yeah nice. We have made nicely, you know, like how many songs are there? So total altogether is a 4 songs. Yeah, like so one only 2 or 3 three songs, but like one is a title song, sir. Yeah, who's the music director? So music director is Abhinav Shekhar. He couldn't make it today, but like he have done a very hard work actually. The music, the BGM is different, the background music is Mahilan, and the songs are Abhinav. Who's the lyrics writer? So lyrics also Abhinav. Okay, he's only lyrics. Yeah, lyrics and also the song also, you know, he's the main singer, I think so, yeah. Daisy ji, after a long time, aapko dekh rahe hain. Very nice to see you. Long time baad, abhi inhone bola tha. Web series and all, in a feature film. Ha, ha. In feature film. Hmm. How you feel it? I am feeling very good, I'm very happy. Actually, Kalai का मैं दिमाग खा रही थी पिछले बहुत महीनों से, बिकॉज दिस फिल्म इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे जो कैरेक्टर है वो मुझे रिलेट करता है पर्सनल लाइफ के अंदर. नो व्हेन शी एक्चुअली यू नो लाइक सीइंग द कैरेक्टर, ओ माय गॉड, सो पिटी आत्मिका, व्हाई शी इज लाइक दिस. सो शी इज ऑलवेज इन द मूड एंड शी इज सो पिटी ऑफ द गर्ल. You know, like she's always in the mood, very sad. Daisy, why are you so sad? No, the girl is so sad. So she's into the character. And also Rohit mug up all the dialogues. Not only his dialogues, so everyone's dialogues. So if everyone's dialogues, you ask him, then I don't want the paper. Yeah, everybody's dialogues. Yeah, yeah. I don't want a paper with me. If the paper is missing, then I can call Rohit. What's the dialogue? Then he can, you know, like memorize and say all the dialogues actually. किसी की भी तैयारी में कोई कमी नहीं थी. When we went for the shoot, it was all set and सब कुछ हर किसी को पता था हमें करना क्या है सेट में. कलाई ने एक भी बारी हमको जितने भी दिन हम शूट पे थे, कलाई ने एक बार भी नहीं बोला डेजी या रोहित. कलाई ऑलवेज कॉल्ड आत्मिका एंड विकन. अच्छा, कॉल आत्मिका, कॉल विकन, द शॉट इज रेडी. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि टैटू जैसे विषय पर फिल्म का आइडिया किसका था? ये टैटू सब्जेक्ट पे किसका आइडिया था फिल्म का? हमारे डायरेक्टर का. Yeah, I'm the writer also. Yeah, I'm the story, screenplay, direction, everything by myself. Yeah, ये tattoo subject कैसे चुना आपने? ये कि tattoo पे film बनाई जाए, क्या tattoo है क्या? मतलब किस तरह का tattoo उसे दिखाया गया? So even the trailer that you can see, the tattoos, a lot of the mysterious is coming, right? So it's murder mystery है.
पर टैटू से रिलेटेड है. या तो टैटू जो है वो एक्चुअली मिस्ट्री है कि वही है जो आपको मर्डरर तक ले जाएगी. तो वो टैटू को एक किसे क्लू बनाया गया जी. तो ये इनका आइडिया था, इनका इन्होंने लिखा और उसके बाद इन्होंने बताया और हमने बोला कि ये फिल्म बननी चाहिए. सो इस हिसाब से फिल्म बनी है. एंड सारी मिस्ट्री जानने के लिए आपको हमारी फिल्म देखनी पड़ेगी. ये बताइए कि ये बॉलीवुड की जो भी फिल्म बनती है कोई ना कोई मकसद दर्शक देखने जाता है. ये फिल्म दर्शक क्यों देखने जाएगा, उसको क्या इस फिल्म के अंदर मिलेगा? सबसे पहला मकसद फिल्म का होता है एंटरटेनमेंट. ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ को छोड़ के आप 2 घंटे 2.5 घंटे थिएटर के अंदर अपनी फैमिली के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करने जाते हो. और सबका प्रेफरेंस अलग होता है, किसी को लव स्टोरीज पसंद है, किसी को हॉरर स्टोरी पसंद है, किसी को आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म पसंद है, किसी को डार्क फिल्म पसंद है. तो ये हमारी मर्डर मिस्ट्री है. तो ये बेसिकली है एक एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट का ही, पर इसके अंदर स्टोरी ऐसी है कि आपको ग्रिपिंग रखेगी सीट के ऊपर, क्योंकि आफ्टर एवरी 2-3 सीन्स देयर इज अ न्यू थिंग कमिंग इन. तो आगे एंटिसिपेशन के अंदर आगे होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, तो वो भी तो एक, हम भी तो बहुत ज्यादा ये होता है ना कि अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई है और अच्छी फिल्म बनी है. और आप लोग सब देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके क्या रिव्यूज हैं. वेरी बिग डिफरेंस द डे वन द रोहित द डे वन एंड द डे 20th एक्चुअली यू नो. सो द डे 20th लाइक we shot like one court scene actually. So I think like you may see that in trailer, the court scene that Vikrant is arguing in the court. Oh my god, even like everyone including the cameraman, everyone mesmerized and see the action. And I forgot to say the cut actually. So that is how he go into, so that's a very big massive difference, you know, like from the day one to, he have worked very very hard. Yeah, so like Rohit have worked very hard. And actually like that's so cold, you know, like in London it's very cold. And Daisy, you know, like she scratches all her body on the back, you know, at the time the forest pulling. Oh my god, they both are, we just say walk, run run run, so they both are running and we are taking the shoots. Ek sequence tattoo hai to usme kya likha hai, humne dekho, main aur Rohit hamara body na tattoo se bhara hua hai real life mein. To Kalai ka ye demand tha ki film का टाइटल है मिस्ट्री ऑफ द टैटू, पर मुझे मेरे जो लीड एक्टर्स हैं मुझे उनके ऊपर एक भी टैटू नहीं दिखना चाहिए. तो बिफोर एवरी सीन हमारी मेकअप आर्टिस्ट सारे टैटू कवर कर रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं, बैठते थे एक कुर्सी पे ऐसे कि गलती से कहीं हाथ लग जाए मेकअप निकल जाएगा फिर से आना पड़ेगा. हाँ क्वाइटली यूनिवर्स लाती है ना चीजें जो आपको पसंद है तो वो अट्रैक्ट करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, पैन इंडिया प्रेजेंस, आई मीन असली फिल्म को हर जगह रिलीज होती है, इसका क्या स्टेटस है, रिलीज करके इंडिया भर में आप लोग क्या करने वाले हैं? यस, पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं पूरी फिल्म. और फिल्म सो बॉलीवुड का मेन मकसद होता है गाना भी एंटरटेनमेंट के साथ साथ. सो यू विल एक्चुअली गेट टू हियर सम लवली सॉन्ग्स. हमने बहुत जी जान लगा के गाना बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा. और इन लोगों के प्रेजेंस से तो लाइक it's taking to another level, so I'm sure you all will love it. Please suniyega, share kijiyega. Pura India hai na, Gujarati, Bengali, South, haan, India. Exactly, haan. So that's the integration, of course. How you like the composer? Do line ho jaye aapki awaaz mein. How you like the composer, the songs which he gave? How was the? Yeah, he's a. Of course, he did a great job because you know we have variety of like songs in the film. So we have a very romantic mashi number, ye wo, so. And one thriller song, one romantic song, haan. And one, you know, like, oh baby mother, kind of mother happy daughter. Song, haan. And one more amma song, of course, emotional haan. Song, yeah. सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स ऐसे नहीं कि मतलब क्योंकि बेवजह डाले हैं. हाँ, exactly.
Exactly. And they're so beautifully shot na, you will actually love. The visuals are so pretty. So aapko bahut hi maza aayega ye dekhne mein. So I'm sure you all, everybody would love it. Ma'am, on a note, can you sing two lines of that song? Sun zara, sun zara, mahiya. Sun zara, mahiya. I think you're actually, I am great. Maine is gaane ko bahut pehle gaya tha, to I thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah.